हेलो दोस्तों, हमारी आठवीं क्लास छठी क्लास का आठवां चैप्टर चल रहा है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। उसकी आज छः नंबर की एक्टिविटी 8.6 लेकर हम आए हैं। ये पूरा लाइट का चैप्टर है, प्रकाश का चैप्टर है और हम आपके पास लेकर आते हैं वर्चुअल एक्सपेरिमेंट, जो आप अपने घर अपनी कंप्यूटर पर विदाउट साइंस लैब कर सकते हैं। तो ये देखिए, आज हम देखने जा रहे हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन में लाइट हमेशा, प्रकाश हमेशा गति करता है। किस तरीके से ये हम साबित करेंगे, तो ये साबित करने के लिए पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है। जहाँ क्या हुआ है कि एक पेपर का कॉन हमने, रबर का या पेपर का कॉन बनाया है हमने, और वो कॉन से यहाँ से आप देख रहे हैं, सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, जो हमने यहाँ एक फिश रखी है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको, अगर ये कॉन सीधा है, एकदम सीधा है, तो आपको ये फिश दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर ये कॉन को बीच में से मुड़ दिया जाए, रबर का है ना, ये रबर कॉन है, बीच में से हम उसको बैंड कर दें, इसको मोड़ दें, तो उसका अगला हिस्सा है वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा और लाइट जो है, प्रकाश जो है, आपकी आँख से यहाँ तक गुजरेगा और अटक जाएगा, क्योंकि बीच में उसको कॉन की ही एक दीवार बीच में आ जाती है। तो ये साबित होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो सीधी लाइन में हमेशा गति करती है, प्रकाश जो है वो, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है, यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, ये देखो यहाँ लिखा है यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, बट अभी हम कॉन को बैंड करेंगे। तो क्या करना है, क्लिक ऑन रबर कॉन, यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्लिक ऑन रबर कॉन। तो एक रबर कॉन पर आप क्लिक कीजिए और फिर आपको फिश दिखाई पड़ती है, देखो ये देखिए, देखा आपने। नाउ यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये आपकी आंखों से निकली हुई लाइट है, प्रकाश है। ये देखिए, प्रकाश यहाँ तक पहुँचा, ये कॉन हमने बीच में से रबर कॉन को बैंड कर दिया है, तो प्रकाश यहाँ अटक गया है। प्रकाश की ओरिजिनल जो लाइन है वो ये है, लेकिन ये तो कॉन में से तो पसार हो नहीं रही है, ये तो कॉन के बाहर है, ठीक है। बाकी की अंदर है या नहीं है, इसकी कोई फिर तो इम्पोर्टेंस रहती नहीं है। तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, गायब हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये कॉन को फिर सीधा कर दो और देखो कि क्या हो रहा है। ये सीधी लाइन में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है, जैसा भी कॉन को आपने बैंड कर दिया, उसको थोड़ा सा बीच में से इधर उधर कर दिया, तो आपको ये आपका ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वी होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही एक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी वाला सॉफ्टवेयर वर्चुअल लैब लेके हम दूसरी बार जल्दी आपके पास आ जाएंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच।